हाय फ्रेंड्स, मैं उदय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम इवन सेमेस्टर के एकेटिव एग्ज़ाम के डेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि एग्ज़ाम एकेटिव ने शेड्यूल जारी कर दिया है एग्ज़ाम का, तो हम देखते हैं कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, कौन सा एग्ज़ाम किस दिन है। तो इसके लिए जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2021 के सम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में अध्ययनरत रेगुलर्स और कैरी ओवर के विषयों का परीक्षा का टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में है। ये ठीक है, एक मतलब किसको छोड़ दिया गया, अंतिम वर्ष को परीक्षाएँ को छोड़ उनके सेमेस्टर परीक्षाएँ को छोड़कर और सारे जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इन लोगों के इवन एग्ज़ाम के परीक्षा डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। और ये भी बताया गया है कि 2021 के सम सेमेस्टर के साथ साथ अन्य सभी रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं कोरोना महामारी के दृष्टिगत ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाना प्रस्तुति है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अभी 4 तारीख तक डेट दिया है कि जैसे यूनिवर्सिटी वाले हैं वो अपना यहाँ पर या छात्र या यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर ईमेल करके बता सकते हैं कि कोई परेशानी या कोई हो तो अभी शायद डेट 4 तारीख तक चेंज की जा सकती है। उनको ईमेल करना होगा इस ईमेल पर। देन आप लोग शेड्यूल को देखिएगा। ये हमारा यहाँ अब हम बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ग्रुप एक्सपेक्ट आईटी सेकेंड सेमेस्टर के सेशनल 2020 और 21 के सेमेस्टर के टाइम टेबल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है, शिफ्ट दिया हुआ है, उसके बाद में किस शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। देन यहाँ पर देना है लॉगिंग रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। देन एग्ज़ाम टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद में फिर क्या दिया है, पेपर कोड दिया है, टाइप बताया गया है कि कौन सा टाइप, उसके बाद में सब्जेक्ट दिया है, फिर कोर्स एंड क्या सेमेस्टर दिया है। तो सेकंड सेमेस्टर की आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर परीक्षाएं जो हैं वो आप लोग देखेंगे। पहली परीक्षा है जो हमारे फिजिक्स की है, देन इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसके बाद में फिर केमिस्ट्री, फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इसी तरह आप लोग जिनका जो सब्जेक्ट है वो इस तरह देख सकते हैं कि कैसे उनका यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर कोड दिया हुआ है और पेपर कोड से रिलेट करके यहाँ पर मैच करके देख लें कि कहाँ कब एग्ज़ाम होना है और कौन सा उनका किस दिन एग्ज़ाम है। यहाँ पर डेट दी हुई है, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। तो आप लोग, क्योंकि हर सेमेस्टर के बच्चों का अलग अलग होता है, जैसे कुछ लोगों का फिजिक्स होगा, उन लोगों का अगले सेमेस्टर में जिन लोगों ने केमिस्ट्री दी हुई एग्ज़ाम किया पढ़ाई की होगी उन लोगों का आपकी बार फिजिक्स होगा, और जिन लोगों ने फिजिक्स की होगी उन लोगों का केमिस्ट्री होगा। तो वो लोग अपना देख सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि हम आराम आराम से स्क्रॉल कर रहे हैं इसे धीरे धीरे, और आप लोग इसे पुश करके भी देख सकते हैं आराम आराम से और देखते रहिए। और पेपर कोड से आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए बीटेक की जो ऑल ब्रांचेस हैं उनको एक्सेप्ट करके, मतलब उनके लिए दिया हुआ है 2021 के सम सेमेस्टर के लिए। आप देखते रहिए। बायोटेक्निकल सेमेस्टर के लिए दिया गया है ये, यहाँ पर एग्जाम शेड्यूलिंग बायो सेमेस्टर वालों के लिए है, और इनका हम पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड कर देंगे। ये बी फार्मा वालों के लिए है, ये बी फार्मा के लिए है।
एमबीए वालों का टाइम टेबल ये है। ये एमसीए वालों का है, ये बीएचएमसीटी सेकेंड सेमेस्टर का है, और ये बीएफएडी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। आप लोग देखते रहेंगे, हम बहुत आराम से स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। बैंकिंग वालों के लिए है, जो आप लोग खुद देख सकते हैं। और देन हम लास्ट में पीडीएफ भी आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, ये सब फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएशन से कोई भी न्यू जानकारी आप के लिए तुरंत हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, कोई भी न्यू अपडेशन आता है तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तक सेमेस्टर फोर का चल रहा है, सेमेस्टर फोर के बाद में सिक्स सेमेस्टर, थोड़ी सी स्पीड हमने इंक्रीज कर रखी है। और आप जहां आपको ज़रूरत हो वहां पर आप पुश करके और अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। ये अब सिक्स सेमेस्टर की बात आ गई, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सिक्स सेमेस्टर। सब्जेक्ट और कोड के साथ आप लोग मैचिंग एक बार करें। और ये AKTU द्वारा जारी किया गया है, ना कि खुद बनाया गया क्रिएट किया गया है आप लोगों के लिए। सो आप लोग टाइम टेबल अपना देखते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। ये MBA वालों का रिजल्ट है, जो MBA एट सेमेस्टर के लिए, इन लोगों का एट सेमेस्टर का टाइम टेबल है ये।
देन इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल एमटेक वालों के लिए है। एमटेक वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे एमटेक, एम फार्मा और उन लोगों का रिजल्ट है जो, यानी जितने भी एकेटीयू द्वारा कंडक्ट कराए जाते थे एग्जाम हैं वो सारे उनके लिए, सारे लोगों के लिए जो है वो डेट जारी कर रखी है, अगस्त तक सारे एग्जाम क्लियर हो जाने हैं। अगस्त से सितंबर तक शायद लगेगा, कुछ एग्जाम सितंबर तक डेट जाएंगी और जिसमें लास्ट सितंबर तक, सितंबर के अंदर रिजल्ट जारी कर देना उन लोगों को। एम टेक वालों अभी एम टेक चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।